नेता फैसल लाला ने अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र। आजम खान लंबे समय से अपने सियासी लाभ के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर झूठे व बेबुनियादी बातें बताकर जनता को भड़काकर उन अधिकारियों के खिलाफ हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो देश के कानून की धज्जियां उड़ाकर लगातार कानून तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अगर उनको ऐसा करने से रोकता है तो वो अपने ऊपर जुल्म ढाने की बात कहकर जनता को उन अधिकारियों के खिलाफ उकसाते हैं। कल 11 जून को रात में किले में आजम खान का जलसा था। अपने भाषण में आजम खान लगातार अपने भाषण में वहाँ लोगों के कान अधिकारियों के खिलाफ भरते रहे। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से जलसे को रात 8 बजे तक की परमिशन थी, लेकिन आजम खान ने जानबूझकर 10 बजे के बाद भी 10:12 तक अपना भाषण चालू रखा ताकि पुलिस के अधिकारी उनको टाइम ख़त्म होने का बताएं और आजम खान जलसे में मौजूद भीड़ को उन अधिकारियों के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाएं। और ऐसा ही हुआ भी। 10:12 पर जैसे ही सीओसीटी ने आजम खान के मंच के आगे आकर उनको अपनी घड़ी दिखाई और टाइम ख़त्म होने का बताकर उनको जलसा ख़त्म करने का आग्रह किया तो आजम खान लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि मेरे ऊपर 18 मुकदमे बगावत के दर्ज हैं। हाँ, मैं बागी हूँ, बगावत करूँगा, मुझे गिरफ़्तार कर लो और कितना जुल्म करोगे। इस तरह की बातें जब आजम खान ने ज़ोर ज़ोर से मंच से कहीं तो ये सुनते के साथ ही वहाँ मौजूद हज़ारों की तादाद में भीड़ सीओसीटी के ऊपर हमलावर होने लगी। कुछ गुंडे आगे की सीटों में बैठे थे, उन्होंने जान से मारने की नीयत से सीओसीटी के ऊपर चढ़ाई की। बमुश्किल सीओसीटी साहब ने स्थिति को सूझबूझ से काबू किया। इसके बाद आजम खान ने 9 तक अपना जलसा चालू रखा और लगातार वो कानून की धज्जियां उड़ाकर अपने भाषण में जनता को संबोधित करते रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि सीओसीटी भीड़ और आजम खान के आगे समर्पण नहीं करते तो जिस तरह कुंडा में सीओ जियाउल हक की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी उसी घटना को दोहराने के लिए आजम खान ने रामपुर में योजना बनाई थी। मैं इस मामले को लेकर आज एडिशनल एसपी महोदय से मिला हूं। मैंने उनको एक तहरीर सौंपी है जिसमें मैंने पूरा घटनाक्रम बताया है कि किस तरह से आजम खान और उनका बेटा लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि देश में सरकार कोई भी हो, रामपुर में राज हमारा चलता है। तो इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजम खान रामपुर में कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और उनकी इन बातों से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो फौरन तौर पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिन लोगों ने सीओसीटी के ऊपर हमले का प्रयास किया है उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए।